फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड इन फिल्म प्रोडक्शन? किसी और देश की तुलना में इंडिया में बहुत ज़्यादा फिल्में बनाई जाती हैं, पर उसमें से सिर्फ कुछ ही फिल्में जो है वो रिलीज़ हो पाती है और ज़्यादातर फिल्में जो है वो बंद हो जाती है रिलीज़ से पहले ही। तो आखिर इसके पीछे क्या कारण है कि फिल्में जो है वो रिलीज़ नहीं हो पाती है? इसी टॉपिक पर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप एक फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, आप एक नई फिल्म की शुरुआत करना चाहते हैं, तो फिल्म की शुरुआत करने से पहले और फिल्म का रिलीज प्लान करने से पहले आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि आखिर बहुत सारी फिल्में जो है वो बनती तो है पर रिलीज क्यों नहीं हो पाती है, इस टॉपिक पर। तो इसका सबसे मेन कारण ये है कि जब भी आप एक नए फिल्म की शुरुआत करते हैं तो आप उसमें नए लोगों को ले लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब जो अधिकतर लोग हैं, वो आप नए लोगों को ले लेते हैं और जो नोन पर्सन हैं, जिनको लोग जानते हैं, जो छोटे मोटे स्टार्स हैं, उनको आप नहीं रखते अपने फिल्म में। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो आपकी फिल्म को खरीदने में या फिर आपकी फिल्म को रिलीज करने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि आपके फिल्म में कोई भी नॉन स्टार कास्ट नहीं रहता है। तो इसके लिए आप क्या करें, आप सभी लोगों को अपने फिल्म में नए ना रखें, आप कुछ जाने माने लोग भी रखें। अगर आपका फिल्म का बजट कम है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जो छोटे मोटे स्टार्स हैं उनको ले सकते हैं अपनी फिल्म में और बाकी आप नए लोगों के साथ काम कर सकते हैं। बड़े स्टार्स को आप ना लें तो आपका फिल्म का बजट भी वही रह जाएगा जो आपने सोचा था। तो अगर आप अपनी फिल्म को रिलीज़ करवाना चाहते हैं तो आप कुछ छोटे मोटे स्टार्स को भी अपने फिल्म में रखें, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर भी है वो आपकी फिल्म को खरीदने में या फिर आपकी फिल्म को रिलीज़ कराने में हिचकिचाए ना। इसके बाद एक और कारण है जिसके कारण से फिल्में रिलीज़ नहीं हो पाती है, और वो है बजट। आप सोच कर तो चलते हैं कि इस बजट में मैं इस फिल्म को बना लूँगा, आप पूरा अच्छा से बजट प्लान करते हैं, पर होता क्या है कि आप जैसे ही फिल्म को शूट करने लगते हैं, फिल्म को बनाने लगते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आने लगते हैं कि चलो इस सीन को इस तरीके से शूट किया जाए, इस सीन में अगर मान लीजिए क्रेन की ज़रूरत नहीं है तो भी आप सोचते हैं कि चलिए इस सीन में थोड़ा सा लुक अच्छा लाने के लिए क्रेन मंगवाया जाए या ड्रोन कैमरा से शूटिंग की जाए, या फिर और भी कुछ आप अपने फिल्म में इनपुट्स लगाते हैं। तो इसके कारण से क्या होता है कि धीरे 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 आपके फिल्म का बजट जो है वो बढ़ जाता है, और यहीं पर आपसे गलती हो जाती है। आप जिस बजट को लेकर के चलते हैं, जो आपने प्लान किया हुआ है, उस बजट पे आप नहीं टिक पाते हैं और आपका बजट जो है फिल्म का वो बढ़ जाता है। अब आपके फिल्म का बजट बढ़ गया, आपने फिल्म को बनाने में ही बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, तो आपको रिलीज़ के लिए क्या बचेगा? आपने जो बजट तय किया था उसमें आपके फिल्म के रिलीज़ का भी खर्च था, अब आपका सारा पैसा तो खत्म हो गया, तो आप फिल्म को रिलीज़ कैसे करेंगे? तो ये फिल्म का ओवर बजट हो जाना भी एक कारण है फिल्म के बंद होने का, फिल्म के रिलीज़ ना होने का। चलिए, ये सब चीज़ें तो फिर भी कंट्रोल में हो जाएगी, पर अब जो कारण मैं आपको बताने वाला हूँ ये सबसे मेन कारण है। होता क्या है कि जैसे ही आप अपने फिल्म को शूट करना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, और उनमें से ही कोई लोग आपको बोलते हैं कि मैं राइटर हूँ या मैं ऐसा हो, मैं फिल्म कोऑर्डिनेटर हूँ, और इस तरीके से बोलकर वो आपके भरोसे को जीत लेते हैं और वो आपको बोलते हैं कि वो आपकी फिल्म को रिलीज़ करवा देंगे, और आप ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के अपने फिल्म को उसके हाथ सौंप देते हैं और पैसे भी सौंप देते हैं, और बाद में आपको उससे धोखा मिल जाता है। तो अगर आप अपनी फिल्म को अच्छे से रिलीज़ कराना चाहते हैं कि हाँ आपकी फिल्म सक्सेसफुली रिलीज़ हो जाए, तो आप जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से फिल्म रिलीज़ करवाएं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हीं से आप फिल्म रिलीज़ करवाएं, बाकी आप किसी भी गलत लोग के चक्कर में ना पड़े। ऐसे बहुत सारे लोग मुंबई में घूम रहे हैं जो आपसे पैसे लेते हैं फिल्म को रिलीज़ करवाने के लिए, फिल्म को सेंसर करवाने के लिए, राइटर आई कार्ड बनवाने के लिए। तो आप इन सब लोगों के चक्कर में ना पड़े, आप अपनी फिल्म को किसी भी गलत आदमी के हाथ में ना सौंपे, आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाए, डिस्ट्रीब्यूटर्स आपकी फ़िल्म को देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि उसे कैसे रिलीज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को बताए कि फिल्म जो है वो क्यों बंद हो जाती है। तो आप इन पॉइंट्स पर ध्यान दें और इन पॉइंट्स को ध्यान देकर आप अपनी फिल्म को सक्सेसफुली रिलीज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे।
अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।